नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मेरठ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में एचओडी के बयान के बाद घमासान मच गया। छात्राओं का आरोप है कि एचओडी अरुण कुमार ने सुंदरता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है और उसके बाद छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया। मेरठ के कॉलेज में जोरदार हंगामा। आपत्तिजनक कमेंट के बाद मचा बवाल। मेरठ के पॉलिटेक्निकल कॉलेज में एचओडी अरुण कुमार की एक हरकत उन पर भारी पड़ गई है। अब उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा है। उनकी जुबान से जो शब्द निकले हैं उसके बाद कॉलेज की छात्राओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि अरुण कुमार ने छात्राओं के सम्मान को ठेस पहुंचा दी, जिसके बाद कॉलेज में जबरदस्त संग्राम छिड़ा हुआ है। छात्राओं का आरोप है कि एचओडी अरुण कुमार ने उनसे कहा है कि जो सुंदर छात्राएं हैं वो यहाँ रुकें और बाकी दूसरे कॉलेज से बीए बीएससी कर लें। ये पॉलिटेक्निक की छात्रा है, मुख्तार सिंह कॉलेज के पॉलिटेक्निक की छात्रा है, जो टीचर की इस टिप्पणी को लेकर आक्रोशित है। हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। ये बताएं, क्या टिप्पणी करी टीचर ने? वो ये बोल रहे थे कि जो सुंदर लड़कियां वो यहीं पर रहें और जो दूसरी मतलब ऐसी लड़कियां वो जाके बीए और बीएससी करें। हमारा तो शिक्षा का अधिकार सबको दिया गया है ना, टीचर अगर ऐसे बोलेगा तो लोग क्या कहेंगे? उनका तो ये हक है ना कि वो शिक्षा सबको दें। उनको क्या मतलब है कि बस सूरत है या फिर सुंदर है, वो खुद को देख ले फिर। और हमारी परेशानी में वो लोग हंस भी रहे थे। मामला मेरठ के थाना दौराला क्षेत्र के मुख्तार सिंह राजकीय महिला पॉलिटेक्निकल कॉलेज का है। यहाँ 104 में से 78 छात्राओं में कईयों को फेल किया गया है और कई छात्राओं की बैक आई है। छात्राओं के मुताबिक परीक्षा के जो नतीजे आए हैं वो यकीन करने लायक नहीं है और इसीलिए जब वो इस बात को लेकर एचओडी अरुण कुमार के पास पहुंची तब उन्होंने उन पर ये अशोभनीय टिप्पणी कर डाली, जिसके बाद छात्राएं पूरी तरह से आहत हैं। एचओडी के खिलाफ आक्रोश बढ़ता गया और छात्राओं ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सर, अगर उनका ट्रांसफर कहीं और कॉलेज में होता, हमारे साथ जो मिसबिहेव किए हैं वो दूसरी भी लड़कियों के साथ मिसबिहेव करते, इसलिए हमें ट्रांसफर की कोई जरूरत नहीं, उनको सस्पेंड ही ठीक है। जब उन्होंने ये बात बोली हमने बोला कि सर आप ऐसा कैसे कह सकते हो, तो हमें ऊपर से कॉलेज से निकाल लेते, कह रहे निकलो यहाँ से, जब दोबारा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे तब आना यहाँ। तस्वीरें मेरठ के मुख्तार सिंह पॉलिटेक्निक कॉलेज की है, जहाँ पर लड़कियाँ आक्रोशित है और ये लड़कियाँ यही कह रही है कि ऐसे टीचर पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट भी यहाँ पर चल रहा है और ये लड़कियाँ यही नारा लगा रही है। सर मुख्यमंत्री, खबर पता लगते ही एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने कॉलेज के मैनेजमेंट का घेराव किया। वहीं छात्राओं ने इतनी बड़ी संख्या में छात्राओं के रिजल्ट खराब होने पर भी सवाल खड़े किए। सर टीचर ने तो बोले हैं, जब हम लोग रिजल्ट आया हम लोग कॉलेज में सभी लोग इकट्ठा हुए और हमने कहा है कि सर इतना फेल होने का रीजन क्या है, तो वो बोल रहे हैं हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। अरे कोई 2, 20, 10, 20, 30 फेल हो सकते हैं, 78 कैसे फेल हो सकती है? क्या सभी ने नहीं पढ़ा था? फिर एचओडी सर ने, फिर हमने बोला कि सर एक लड़की सुसाइड भी करने वाली थी, अगर वो सुसाइड कर लेती या किसी और लड़की ने सुसाइड कर लिया तो फिर आप क्या करेंगे? तो वो बोल रहे हैं जिसको सुसाइड करना है सुसाइड कर लो। फिर हम लोग को उस कॉलेज से धक्के मार के बाहर निकाल रहे थे और बोल रहे थे कि जिसको एडमिशन लेना है वही सिर्फ आएगा, आप कॉलेज कोई नहीं आएगा, और हम सभी बच्चियों पे वो हंस भी रहे थे। छात्राओं ने एचओडी के खिलाफ कार्रवाई और परीक्षा कॉपी को दोबारा से जांच कराने की मांग को लेकर प्रिंसिपल के कार्यालय के बाहर धरना दिया। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने एचओडी अरुण कुमार को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। वहीं छात्राओं ने गलत कमेंट पर थाना दौराला में भी अरुण कुमार के खिलाफ तहरीर दी है। छात्राओं के फेल होने की जांच डीएम को सौंपी गई है। आखिर एक शिक्षक की ये कैसी मानसिकता है जिसमें वो छात्राओं के रंग रूप को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। बॉडी शेमिंग के मामले अक्सर सामने आते रहे हैं, लेकिन यहाँ तो एक शिक्षक ने हद ही पार कर दी। उन्हें तो अपने स्टूडेंट की पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए था, जो कॉलेज की बेहतरी में काम आता,
लेकिन यहाँ तो शिक्षक अलग ही ट्रैक पर निकल पड़े हैं। जैसे ही मामला उछला, इसके बाद एचओडी की जमकर फजीहत शुरू हो गई है। मेरठ से न्यूज 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। थूक वाले घिनौने करतूत एक बार फिर से सामने आई है। अभी बीते दिन देहरादून के एक रेस्टोरेंट में रोटी पर थूकने का वीडियो सामने आया था, तो अब नया वीडियो मसूरी से आ गया जहां चाय बेच रहा लड़का उसमें थूकता हुआ दिख रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। थूक वाली साजिश फिर सामने आई। शख्स की गंदी हरकत कैमरे में कैद। एक ये वीडियो है और ये दूसरा, दोनों में एक ही समानता है, दोनों जगहों पर थूका जा रहा है। देहरादून के एक रेस्तरां में रोटी बनाते वक्त थूकने का ये वीडियो सामने आने के कुछ ही घंटे हुए थे कि अब मसूरी से ये घिनौनी हरकत सामने आ गई। मसूरी से भी चाय में थूकने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का चाय बनाते समय उसमें थूक रहा है। वीडियो सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस के मुताबिक मसूरी बस स्टैंड के पास की ये घटना है। वहीं पर दो लड़के नौशाद और हसन चाय बेच रहे थे, तभी एक पर्यटक ने चाय बनाने वाले की हरकत को देखा और उसे अपने मोबाइल फोन पर कैद कर लिया। आरोपी चाय में थूकता हुआ पाया गया। सैलानी ने यह वीडियो पुलिस को दे दिया। मसूरी कोतवाली पुलिस ने मुजफ्फरनगर के रहने वाले नौशाद और मसूरी के हसन अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वीडियो सामने आने के बाद दोनों आरोपी फरार हैं। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। आखिर ये मानसिकता का कैसा घटिया स्तर है, या फिर ये सोची समझी साजिश है? बार बार ऐसे वीडियो क्यों सामने आ रहे हैं? नोएडा, ग्रेटर नोएडा, शामली, बागपत, ये बस जगहों के नाम हैं। लेकिन यहाँ पर जो घिनौना काम हो रहा है वो एक ही है। उत्तराखंड से एक और वीडियो सामने आया था जहाँ एक शख्स रोटी में थूकने वाली हरकत करता दिखा। लोगों को बीमार करने की साजिश फिर उजागर हो गई। देहरादून के ढाबे में एक शख्स तवे पर रोटी सेक रहा था। उसने पहले रोटी तवे से हटाई, इसके बाद उसने दूसरी रोटी को सेकने से पहले थूक दिया। ऐसा करने में उसे तनिक भी झिझक नहीं हुई, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जो कर रहा है वो अब सबके सामने आने वाला है। वहीं ढाबे से थोड़ी दूरी पर कुछ लोग उसकी ये हरकत काफी देर से देख रहे थे। किसी ने उसका रोटी पर थूकने वाला वीडियो मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। अब जरा सोचिए, कोई थूक वाली रोटी खाएगा तो उसकी तबीयत खराब भी तो हो सकती है। ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। तंदूर की रोटी पकाने से पहले थूका जा रहा है। आखिर ऐसी साजिश बार बार क्यों हो रही है? क्यों लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है? ऐसी मानसिकता वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई बेहद जरूरी है, क्योंकि ये घिनौना काम करके लोगों को बीमार कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और खबर भदोही से। रामलीला मंचन में बुलडोजर का प्रदर्शन भारी पड़ गया। बुलडोजर अचानक बेकाबू हो गया और एक व्यक्ति को उसने कुचल दिया। दरअसल रामलीला के कुछ पात्रों को जेसीबी पर बैठाकर लाया जा रहा था, तभी जेसीबी बेकाबू हो गई, जिससे मौके पर मौजूद भीड़ में अफरा तफरी मची। मामला कोइरौना थाना क्षेत्र के इनार गांव का है। बताया जा रहा है कि मंच के पास पहुंचते ही ड्राइवर ने जेसीबी से नियंत्रण खो दिया। बेकाबू जेसीबी ने झालर, ट्यूबलाइट और बैंड बाजे के समूह को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बैंड बाजा बजाने वाले रमेश गौतम गंभीर रूप से घायल हो गए और घायल रमेश को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सीतापुर से एक सन्न कर देने वाला वीडियो कैमरे में कैद हो गया। डांस करते करते एक लड़के की मौत हो गई। हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई जा रही है। सीतापुर के सैदपुर थाना इलाके की एक घटना है। बिलौली नानकारी गांव में 17 साल का लड़का अचानक डांस करते करते जमीन पर गिर गया, लेकिन उसके बाद वो दोबारा खड़ा नहीं हो पाया। वो दुर्गा पूजा पंडाल में डीजे की धुन पर दोस्तों के साथ डांस कर रहा था, तभी वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। ये देख अफरा तफरी मच गई। दोस्त उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। बिलौली नानकारी गांव के सुरेंद्र चौहान के 17 साल के बेटे
विकास चौहान की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि उसे सोशल मीडिया पर अपने वीडियो अपलोड करने का शौक था और अक्सर वो वीडियो बनाया करता था, लेकिन अब जो ये वीडियो सामने आया वो विकास का आखिरी बन गया। वो शॉर्ट वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता था। उधर परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दिए बगैर ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया। परिजनों ने बताया कि उसे कभी कभी चक्कर आता था, इलाज भी नहीं कराया गया था। अगर उसका इलाज होता तो पता लग सकता था कि उसे क्या समस्या है। डांस वांस करने का शौकीन थे क्या? ये थोड़ा डांस बनाते बच्चे जो क्या बनाते हैं थोड़ा बहुत ऐसे वीडियो जो बनाते हैं। वहाँ कोई कार्यक्रम था क्या जहाँ गए? दुर्गा पूजा का जो मूर्ति रखी जाती है वही। तो क्या कुछ हुआ वहाँ पे, कुछ जानकारी है? डांस करते करते उनका अचानक से चक्कर हुआ, हार्ट अटैक हो गया। विकास पड़ोस के गांव देवहरा में दुर्गा पूजा में शामिल होने गया था। वहां विकास अपने दोस्तों के साथ डांस कर रहा था, तभी विकास पूजा पंडाल में दुर्गा मूर्ति के पास गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।